हेलो, दिस इज मनोज कुमारी एंड टुडे वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 6 एंड द नेम ऑफ चैप्टर 6 इज द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम पढ़ेंगे इस इंट्रोडक्शन में ट्राइंगल्स और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले ट्राइंगल क्या होती है वो देखेंगे। ट्राइंगल, अगर हमारे पास कोई भी थ्री पॉइंट्स है, इनकी डायरेक्शन हम देख रहे सेम नहीं है, इनको अगर ज्वाइन कर दें हम, ये पॉइंट था, इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक ट्राइंगल बन गई। तो ट्राइंगल जब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो क्या बनती है, एक ट्राइंगल बनती है। या आप ये भी कह सकते हो कि ट्राइंगल क्या है, एक पॉलीगन है जो कितनी लाइन सेगमेंट से बना होता है, थ्री लाइन सेगमेंट से, या यू भी कह सकते हो ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है और कितनी लाइन सेगमेंट से बना है, थ्री लाइन सेगमेंट से। तो कोई भी डेफिनेशन आप इसकी दे सकते हो। तो हमने लिखा ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होती है, अ पॉलीगन बाउंडेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट्स, जो कितने लाइन सेगमेंट से बना हो, थ्री लाइन सेगमेंट से बना हो, उस पॉलीगन को क्या कहते हैं हम, ट्राइंगल कहते हैं। ए पॉलीगन बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। तो किस वे में भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। अब बात आती है एंगल्स की, ट्राइंगल्स में एंगल्स कितने होते हैं। तो ट्राइंगल देखो, जहां भी इसको अगर हम इस ट्राइंगल को नाम दे दें ए बी और सी, इसको नाम दे दिया ए बी सी, तो जहां पर ये कॉर्नर है, ये है, ये है, जहां पर दो लाइन सेगमेंट आके मिल रही है, यहाँ क्या बनते हैं, इनके एंगल बनते हैं। तो इस तरह से ट्राइंगल में कितने एंगल हो गए, थ्री एंगल, ए एंगल बी और एंगल सी। तो ट्राइंगल में कितने एंगल्स हो गए, थ्री, क्या लिख देंगे, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी। आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, एंगल ए बी सी या बी सी ए या सी ए डी। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए एंगल बी और एंगल सी। इसमें थ्री एंगल्स हुए, तो कोई भी ट्राइंगल हो उसमें एंगल्स कितने मिलेंगे हमारे, थ्री एंगल्स। वर्टिसेस, अब वर्टिसेस क्या होते हैं, या वर्टेक्स, वर्टिसेस जो कॉर्नर जो है बेटा वो क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस ही कहलाते हैं, कॉर्नर जहाँ है वो ही वर्टेक्स कहलाते हैं। तो इसमें थ्री वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। क्या लिख सकते हैं हम, वर्टेक्स, वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी और कौन सा हो गया, वर्टेक्स सी। तो किसी भी ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स मिलेंगे, थ्री वर्टेक्स, जो भी नेम होगा लिख देंगे, बस वर्टेक्स लगाया, जो भी ट्राइंगल का नेम है वो हम लिख देंगे। और कितने होंगे टोटल वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स होंगे। अब बात कहते हैं साइड्स की, ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है, तो साइड्स भी कितनी होगी, थ्री। साइड क्या होती है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाती है, साइड कहलाती है। तो साइड्स देखो, इसमें ए और बी को ज्वाइन कर रही है, तो ए बी, ये बी सी, और ये क्या होगी, सी ए, या आप कह सकते हैं ए बी। तो इसमें थ्री साइड्स होगी, कौन कौन सी, ए बी बी सी और सी ए। तो किसी भी ट्राइंगल्स में कितनी साइड्स होगी, थ्री, ए बी बी सी और सी ए। अगर ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, तो अगर ट्राइंगल का नाम सी ए है तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे जो भी ट्राइंगल का नेम दे रखा है। तो इसमें ट्राइंगल क्या होती है, पॉलीगन बाउंड्री बाई थ्री लाइन सेगमेंट। एंगल्स कितने होते हैं ट्राइंगल में, थ्री एंगल्स होते हैं। वर्टिसेस भी कितने होते हैं, थ्री होते हैं। और साइड्स भी कितनी होती है, थ्री होती है। अब ट्राइंगल के वर्टेक्स एंगल्स और साइड के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं कि ट्राइंगल कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम टाइप्स करते हैं इसकी साइड के बेस पे। तो कहेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, बेसिस ऑफ साइड, कि साइड के बेस पे ट्राइंगल कितने टाइप की होती है। तो ट्राइंगल थ्री टाइप्स की होती है,
सबसे पहले लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. कौन सी ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है? ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल. थोड़ा सा बड़ा सिंबल बना देते हैं हम ये. इसमें ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. नेक्स्ट साइड के बेस पे ट्राइंगल होती है आइसोसेल्स ट्राइंगल. आइसोसेल्स ट्राइंगल. अब आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें कितनी साइड्स इक्वल हो? टू साइड्स इक्वल हो. तो लिख देंगे टू साइड्स आर इक्वल. टू साइड्स आर इक्वल. आइसोसेल्स में टू साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. नेक्स्ट साइड के बेस पे थर्ड ट्राइंगल है स्केलन ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल. अब स्केलन ट्राइंगल में सारी जो साइड्स होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है. तो वो ट्राइंगल्स क्या होती है? स्केलन ट्राइंगल. ऑल साइड्स आर डिफरेंट. ऑल साइड्स आर डिफरेंट. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ट्राइंगल्स साइड के बेस पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड. कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स. इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती है. आइसोसेल्स में टू साइड्स इक्वल होती है. स्केलन में कितनी होती है? ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. अब देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं और ये कहूं मैं 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये है 7 सेंटीमीटर, तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी? कौन सी ट्राइंगल बताओगे आप? आइसोसेल्स ट्राइंगल. तो ये जो ट्राइंगल है वो कौन सी होगी? आइसोसेल्स ट्राइंगल. ये ट्राइंगल जो होगी कौन सी होगी? आइसोसेल्स ट्राइंगल. अब अगर मैं ऐसी ट्राइंगल बनाऊं, ये साइड है 6 सेंटीमीटर, ये साइड है 6 सेंटीमीटर और ये साइड है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर. तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड इक्वल हो वो कौन सी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो हम पहचान कर सकते हैं ये हो जाएगी हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल. कौन सी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल. और कोई ऐसी ट्राइंगल जिसमें कैसी, ये तो कितनी थी? दो साइड एक थी तो आइसोसेल्स ट्राइंगल, तीनों इक्वल थी तो स्केलन, तीनों साइड्स इक्वल थी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल. और जिसमें कौन सी सारी साइड्स अलग अलग हो, जैसे एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 है, एक 7 है, तो वो ट्राइंगल कौन सी हो जाएगी? स्केलन ट्राइंगल. तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल कितने टाइप्स की होगी? थ्री साइड्स की. अब देखो हम बात करते हैं कि ट्राइंगल्स में मीडियन क्या होती है और एल्टीट्यूड क्या होता है. तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं मीडियन की. मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल में मीडियन क्या होती है. देखो हमने एक ट्राइंगल बनाई, इसको नाम दे दिया हमने ए बी और सी. इस ट्राइंगल का नाम क्या दे दिया हमने? ए बी सी. अब यहां से जैसे ये वर्टेक्स कितने? थ्री वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी. अब इससे हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी, ये ऐसे, इसको नाम दे दिया बी ई और इसको हमने यहां से ज्वाइन कर दिया, तो ये बी ई और इसके नाम दे दिया एफ और इसको ज्वाइन कर दिया यहां, तो ये ई एफ और इसको नाम दे देते हम जी. तो मीडियन क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से, ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है ट्राइंगल की. तो इसमें एज मीडियन है, बीई मीडियन है और सी एफ बी क्या है? मीडियन है. तो मीडियन क्या होती है ट्राइंगल की? कि ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है. तो इसमें मीडियन कौन सी होगी? एज क्या है? मीडियन है. बीई भी क्या है? मीडियन है. और सीई भी, सी एफ भी क्या है? मीडियन है. ये क्या है? मीडियंस है. ये क्या होगी? मीडियन होगी. कौन कौन सी? एच जी, बी ई और सी एफ क्या होगी? ये मीडियन होगी. तो इसमें डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अलाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट विच जॉइन द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट और इसको वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीडियन। अब बात करते हैं फिर एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड देखो, हमने एक ट्राइंगल बनाई, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया हमने PQR। तो देखो, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट किस पर, साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए उसको क्या कहते हैं हम, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसको ये हमने पी से इसको नाम दे दिया ये एम, पी एम। पी एम क्या है? एक एल्टीट्यूड है। क्यू एन क्या है? एल्टीट्यूड है। एम एन ओ ले, ओ आर क्या है? एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है कि ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है। तो कहेंगे एल्टीट्यूड जो है वो क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख देंगे, अ लाइन सेगमेंट या परपेंडिकुलर, यहां से लिख देते हैं इसको, परपेंडिकुलर ड्रान, परपेंडिकुलर ड्रान किया जाता है अपोजिट साइड पर, टू अपोजिट साइड, फ्रॉम कहां से, वर्टेक्स से, कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कहां से, ड्रॉन टू द अपोजिट साइड फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है जो लाइन सेगमेंट वो क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसमें एल्टीट्यूड्स कौन कौन से हो गए, कोई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये QN क्या है, एल्टीट्यूड है, QN क्या है, एल्टीट्यूड है, और OR भी क्या है, एल्टीट्यूड है, और ये क्या हो गया, PM भी क्या है, एल्टीट्यूड्स है, ये सारे क्या है, एल्टीट्यूड्स। तो इस तरह से हमें पता चला कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है और एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो एक्सटीरियर मीन बाहर, तो ऐसा एंगल जो ट्राइंगल के बाहर है उस एंगल को क्या कहेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ट्राइंगल बना ली और एक साइड को इसके आगे तक बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पर ये एंगल अगर x है, इसको यहाँ तक आगे तक बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल बना ये कैसा एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। देख, इंटीरियर अंदर है और अपोजिट इसके सामने कौन से है, एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये अपने पास 20 डिग्री है, तो ये जो एंगल आएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, कि 90 प्लस में 20 के, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। सो इसमें क्या है, इस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल।
ये हो गया। अच्छा उसके बाद ट्राइंगल के सम, सम सारे एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अगर कोई भी ट्राइंगल गिवन है और उसके सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब अगर ट्राइंगल की साइड दे रखी हो, जैसे ये ट्राइंगल है इसकी साइड ले लेते हैं हम, ये जैसे 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो अगर आप दो साइड का सम करें तो थर्ड साइड से ग्रेटर आ जाएगा। देखो 6 और 4 का सम कितना हो जाएगा 10, 10 किससे ग्रेटर है 5 से, 5 और 4 का सम कितना होगा 9, 9 किससे ग्रेटर है 6 से, 6 और 5 का 11, 11 4 से ग्रेटर है। मतलब किसी तरह से तीनों साइड्स को अगर ऐड करें, दो साइड को ऐड करें तो थर्ड साइड से क्या आएगी, वो ग्रेटर आएगी। तो ये ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होगी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे हम इसमें। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी कह दो, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है ये लागू होती है राइट एंगल ट्राइंगल पर। कैसी ट्राइंगल पे लागू होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये जो साइड है इसका नाम है हाइपोटेनियस। और ये जो साइड बची, एक तो ये साइड और एक ये साइड, ये क्या कहलाएगी, ट्राइंगल्स की लेग्स कहलाएगी। इसको बेस कह सकते हो, इसको परपेंडिकुलर, और या इसको कह सकते हो कि ये ट्राइंगल्स की क्या है, लेग्स है। तो ये पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। पाइथागोरस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पाइथागोरस ने दी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ट्राइंगल की किसी एक साइड का स्क्वेयर, ग्रेटेस्ट साइड जो है उसका स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ साइड्स ऑफ, ये जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वेयर, स्क्वेयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ ईच अदर टू साइड्स, कि एक साइड का जो स्क्वेयर है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वेयर के सम के इक्वल होता है। अगर इसका नाम दे दें हम ए बी सी, एक साइड का स्क्वेयर, तो एक साइड ये जो है ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है, ए सी है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वेयर और प्लस में बी सी स्क्वेयर, जो वन साइड का स्क्वेयर है बाकी दो साइड के स्क्वेयर के सम के इक्वल आएंगे। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थे। तो इस इंट्रोडक्शन में जो पूरा चैप्टर है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लोगे तो आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स है, जो भी इसमें जो भी जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको ईजिली समझ में आएगी। तो इसके साथ अपना इंट्रोडक्शन कम्प्लीट कर